Very good afternoon to all. I'm Ravika from SIMT Nabodar. Today we are going to discuss internal reconstruction. Internal reconstruction जो है ये एक reorganization होती है किसकी, हमारे capital structure की, जो कि किसी भी company का होता है, ठीक है। इसमें कोई भी company जो है वो liquidate नहीं होती। liquidation का मतलब है जब हमारी company जो है वो ख़त्म कर दी जाती है, ठीक है। इसमें एग्जिस्टिंग कंपनी जो है वो कैरी करता है बिजनेस एक रीऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। यानी कि हम अपना जो वर्किंग पैटर्न है या वर्किंग स्ट्रक्चर जो है उसे क्या करते हैं, देखते हैं। अब होते इसमें कई बार जो है क्लेम्स हमें अलग अलग पार्टीज़ के थ्रू मिलते हैं, जैसे कि इसमें कई बार क्रेडिटर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्हें हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन क्या होता है, ये ऑल्ट्रेशन होती है हमारे शेयर कैपिटल की अंडर सेक्शन 61 या फिर 64। रिडक्शन जो होती है शेयर कैपिटल की, ये सेक्शन 66 के अंदर आती है। समटाइम इसमें वेरिएशंस जो हैं शेयर होल्डर्स के होती हैं, या इनके पास राइट जो है वो अंडर सेक्शन 48 ही इन्हें देखने के लिए मिलता है। इसमें स्कीम होती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं कि हमने कैसे सेक्शन 231 के साथ जो है वो डील करना है। समटाइम हम इसमें जो है अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, सरेंडर भी कर सकते हैं, यानी कि हमें नहीं चाहिए हम उन्हें क्या करते हैं, वापस दे देते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑल्ट्रेशन। जब भी हमने बात करनी है ऑल्ट्रेशन की, जो कि हमारी शेयर कैपिटल की होगी, तो ये होगी कोई भी ऑथराइज्ड या AOO एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। इसमें जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA जो है ये स्टैंड किया जाता है किसके लिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए, ठीक है। ये जो है एक तरह का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है जिसमें हम जो है नोटिसेस जो है वो रजिस्ट्रार को देते हैं कंपनी में, और ये विद इन 13 डे फ्रॉम द डेट ऑफ ऑल्ट्रेशन जो है हमें देखने के लिए मिलता है। अब हम ऑल्ट्रेशन की बात करते हैं शेयर कैपिटल की। इसमें क्या है, हमारी जो कैपिटल है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसमें समटाइम जो है वो न्यू इश्यूज़ आते हैं। उसके बाद इसमें कंसोलिडेशन जो है वो हम शेयर्स की देखते हैं। इसमें सब डिवीज़न जो है वो हमें शेयर्स के देखने के लिए मिलते हैं। इसमें कन्वर्जन होता है शेयर्स का किस में, स्टॉक्स में, ठीक है। कन्वर्जन जो होता है स्टॉक का इनटू शेयर्स में। कैंसलेशन जो है वो अन इशूड शेयर्स की हम इसके अंडर कर सकते हैं। जब भी हम ऑल्ट्रेशन की बात करते हैं शेयर कैपिटल की, तो जब भी हमने इशू करना है न्यू शेयर कैपिटल, तो उसमें क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट को फर्दर हमने जो है शेयर कैपिटल में जो है डाल देना है, ठीक है। डेबिट करके इसको हम क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो एंट्रीज हैं ये आपकी तब होंगी जब अपने न्यू शेयर कैपिटल को जो है वो इशू करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। इसमें क्या आता है, कंसोलिडेशन आती है हमारे शेयर्स की। इसमें हमने कन्वर्जन करनी है एग्जिस्टिंग शेयर्स को, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल छोटी छोटी अमाउंट्स के हैं या फिर वो लार्ज अमाउंट के हैं, ठीक है। ये जो इफ़ेक्ट होता है ये क्या होता है, ये अमाउंट होते हैं हमारे शेयर कैपिटल के, और ये हमेशा ही ओल्ड फिगर में रहते हैं। इसमें जो है नंबर ऑफ़ शेयर जो है वो क्या होता है, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट की जो है ओल्ड वैल्यू को हम डेबिट करते हैं, और इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट की न्यू वैल्यूज़ को हम क्रेडिट करते हैं। अब ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल जो है ये क्या है, ये सब डिविजन है हमारे शेयर्स की, ठीक है। कन्वर्जन जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर का होता है लार्ज अमाउंट में, और इसको जो है शेयर्स जो हैं स्मॉलर अमाउंट के वो हम देखते हैं। इफ़ेक्ट क्या होता है, अब बोलते अमाउंट जो है वो शेयर कैपिटल के समटाइम जो हैं ओल्ड फिगर्स के रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं समटाइम इंक्रीज होते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो है उसमें ओल्ड वैल्यू को हमने डेबिट करना है किसमें, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारे पास जो है न्यू वैल्यू है, ठीक है। अब हम ऑल्ट्रेशन की बात करते हैं जो कि शेयर कैपिटल की है, तो इसमें कंसोलिडेशन जो है वो शेयर्स की स्टॉक में होती हैं, ठीक है। स्टॉक जो है ये एग्रीगेट होता है, और ये समटाइम फुली पेड अप शेयर्स जो हैं वो मर्ज किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक फंड जो है वो इक्वल होता है वैल्यूज़ का, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट करना है किस में, टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट में, ठीक है। ऑल्ट्रेशन जो है वो शेयर कैपिटल की क्या है कि हमने कैंसलेशन करनी है अन इशूड शेयर्स की, ठीक है। जब हमने ऐसे शेयर्स जिन्हें हमने इशू ही नहीं किया, हम उन्हें क्या करेंगे, कैंसलेशन करेंगे, ठीक है। कैंसलेशन जो है वो शेयर्स की, ठीक है, ये हमने अभी तक
की नहीं होती, ये हमने अभी तक किसी को शेयर्स जो हैं वो इशू नहीं किए गए हैं और ना ही इसमें कोई अकाउंटिंग एंट्री जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब बोलते ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो है वो हम रिड्यूस कर देते हैं और इसमें जो है अमाउंट अन इशूड शेयर्स की होती है जो कि नाउ अब क्या है कैंसल्ड हो गई है, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसमें जो है रिडक्शन जो है वो शेयर कैपिटल की होती है और ये जो है सेक्शन 66 में आता है, ठीक है। इसमें हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है तभी हम इसे कर सकते हैं। देन इसमें हमें जो है कोर्ट्स के ऑर्डर चाहिए, फाइलिंग जो है वो रजिस्ट्रार के पास या कंपनीज के साथ या हमने यूज़ करना है या एक्सप्रेशन करना है, ठीक है। और ये जो है स्पेसिफाइड टाइम में हमें देखने के लिए मिलता है। अब रीज़न जो है रिडक्शन का वो हमने क्या करना है, पब्लिश करना है, ठीक है। रिडक्शन जो है वो शेयर कैपिटल का क्या है कि रिडक्शन जो है ये अनकॉल्ड कैपिटल होती है। अब बोलते हैं इसमें सम टाइम बेनिफिट्स होते हैं शेयर होल्डर्स के, ये होते हैं हमें रिक्वायर्ड नहीं होते और ना ही हमें इन्हें पे करते हैं अनकॉल्ड कैपिटल के लिए। शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो इक्वल होता है फेस वैल्यू को जिसको हमने डेबिट करना है और ये जो है शेयर कैपिटल अकाउंट में हमें इसे कॉल्ड अप वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। अब रिडक्शन थ्रू रिफंड ऑफ एक्सेस कैपिटल, अब हमने रिडक्शन करनी है किस में से, उस रिफंड में से जहाँ पे हमने एक्सेस कैपिटल दे दी है, तो हम क्या इंटरेस्ट जो है वो फॉलो करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। ये अमाउंट जो पुरानी कैपिटल की थी टू शेयर कैपिटल अकाउंट जो न्यू कैपिटल आई है और टू शेयर होल्डर अकाउंट में वो हम डालेंगे अमाउंट जो कि हमने रिफंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की, रिडक्शन जो है वो पेड अप कैपिटल का क्या रहेगा, रिडक्शन जो है वो पेड अप वैल्यू से ही करेंगे जितनी हमने पे की है। इसका मतलब है कि नॉमिनल वैल्यू जो है वो शेयर्स की वो सेम रहेगी और पेड अप वैल्यू को ही हम रिड्यूस करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, एग्जांपल 1000 इक्विटी शेयर्स जो थे वो हमने 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग एक बेचना है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में जो है 100 है, ठीक है, उसको हमने रिकंस्ट्रक्शन में कर दिया क्योंकि इसमें पेड अप वैल्यू शेयर्स जो थे वो 100 टू 20 थे, ठीक है, 100 से लेकर 20 तक थे, तो 100 में से 20 को माइनस किया हमारे पास 80 जो है आ गया, ठीक है। तो 80,000 शेयर्स जो थे वो हमने क्या किए हैं शेयर कैपिटल में डाले हैं, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। टिल देन थैंक यू क्लास।